Hi friends, welcome to Tally Digital Class। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों टैली ERP 9 की शॉर्टकट कीज के बारे में आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आते बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप सीख सको। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। इसके पहले भी मैं टेली ERP 9 की रिगार्डिंग वीडियोस बना चुका हूँ और उसको अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो आप भी मैं हर वीडियो में बारीकाई से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें टेली ERP 9 खोल लेना है और ये आपको सबसे पहले ये F1 दिखा होगा। F1 इससे हम किसी भी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी हमारी कंपनी है वो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। F1 अल्टर F1 इससे हम कंपनी को हटा सकते हैं। सूट कंपनी मतलब जो कंपनी थे, जो हमारी कंपनी हमने जो सिलेक्ट की थी उसमें से हम बाहर आ सकते हैं। तो मैं फिर से ये मैं बाहर आ गया तो फिर से मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ अपनी आईडी को। इसके बाद F2 इसको हम डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी डेट हम चाह रहे। अल्टर F2 इससे हम पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो भी पीरियड फाइनेंशियल ईयर जो हो उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अल्टर F3 इसमें कंपनी रिगार्डिंग जो भी इन्फो सिलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी ये का वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं या तो फिर सुधार सकते हैं। इसके बाद इसके बाद है F4 कनेक्ट। इसके लिए आपके अंदर इंटरनेट होना ज़रूरी है। इसके बाद मैं यहाँ पर बात करूँ F11 फीचर्स की। F11 फीचर्स जो हमने कंपनी सिलेक्ट की थी उसके रिगार्डिंग होता है। अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंटरी फीचर्स। फर्स्ट है अकाउंटिंग। इसमें ये आपको यहाँ से कुछ भी चेंजेस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इन्वेंटरी में आप जो भी चेंजेस करना चाहे। टैक्सेशन इसमें यहाँ से स्टेटरी में जो भी आप चेंजेस करना चाहे वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद ऑडिट के लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आगे ऐड ऑन फीचर टैली शॉप में जाके आप यहाँ से कुछ नया ऐड कर सकते हैं। तो मैं वाउचर में चले जाता हूँ। और इसके बाद अल्टर F1 इन्वेंटरी फीचर्स इसमें आप एक आइटम में से दूसरी आइटम में स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ देख लीजिए मैं बता देता हूँ। ये 100 ट्राउज़र था उसमें से उसी दूसरी में मैंने चेंज कर दिया। इसके बाद फिर से Date 1 कॉन्ट्रा वो होता है जिसमें बैंक से हमने जो भी ट्रांजेक्शन किया हो। F5 पेमेंट किसी भी पार्टी को हम पेमेंट करते हैं तो F5। F6 में रिसिप्ट जो भी हम रिसिप्ट। इसके बाद जर्नल। इसके बाद किसी अदर एंट्री को हम यहाँ पर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। F8 में सेल्स की एंट्री। F9 अल्टर F8 मतलब क्रेडिट नोट, सेल रिटर्न। और F9 में परचेस। अल्टर F9 उसमें डेबिट नोट। और अल्टर S मतलब स्टॉक समरी। इसमें हम देख सकते हैं कि कितना पार्टी को कितना माल गया है और हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है इसके बारे में हम जान सकते हैं। इसके बाद आता है टैक्स एनालाइज। तो इसका मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर पार्टी के नाम से लिख करके इसको पार्टी को हम यहाँ पर सेल करता हूँ। तो इसके बाद हम टैक्स एनालाइज करेंगे तो हमें यहाँ पर पता चलेगा CGST लगता है, SGST लगता है या तो फिर IGST लगता है। इसके अलावा अदर कोई टैक्स लगता हो उसको हम यहाँ पर शो कर देगा। इसके बाद अल्टर आई अकाउंट इनवॉइस। अगर हम
किसी सेल नहीं करना चाहते, कुछ स्टॉक वाइज समरी नहीं करते, तो हम यहाँ पर अल्टर आई करके एंट्री करेंगे। एज अ वाउचर, वाउचर वाइज आप एंट्री करना चाहते हैं तो वाउचर वाइज कर सकते हैं। इसके बाद पोस्ट डेटेड की एंट्री आप यहाँ पर इसमें कर सकते हैं। इसके बाद 11 फीचर्स की मैंने तो यहाँ पहले बात कर चुका। इसके बाद ये आपको अल्टर प्री से आप प्रिंट कर सकते हो, अल्टर ई से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो ईमेल में वगैरह भी कहीं भी, अल्टर ई से मेल कर सकते हो, जिसको भी आप मेल करना चाहो उसको मेल कर सकते हैं, अल्टर ओ से अपलोड करना चाहते हो तो अपलोड कर सकते हैं किसी भी जीएसटी पोर्टल पर वगैरह पर, अल्टर ओ से अपलोड कर सकते हो। टेलीशॉप में से आप किसी भी चीज़ का आप जो आधार को आप खरीद सकते हो जो आपके सामने यहाँ पर है। इसके बाद की, अल्टर की से आप कीबोर्ड के जो भी है वो लैंग्वेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और चेंजेस कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पर बात करूँ तो अल्टर कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर यह टेली डॉट नेट के लिए होता है, नेट और जो भी हम टेली दूसरों को यूज़ करने की फैसिलिटीज देते हैं उसमें होता है। यूज़र टेली डॉट नेट यूज़र। इसके बाद मैं यहाँ पर बात करूँ हेल्प, आप यहाँ से किसी भी आपको हेल्प चाहिए हो टेली ERP 9 में तो आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपसे ऑप्शन है क्यूट, कंट्रोल क्यू, मतलब यहाँ से आप बाहर आ सकते हो। कंट्रोल ए से आप किसी भी एंट्री को सेव कर सकते हो। इसके बाद डिलीट, अल्टर डिलीट, यहाँ से आप किसी भी एंट्री को डिलीट कर सकते हो। अल्टर एक्स, मतलब यहाँ से आप किसी भी एंट्री को कैंसिल कर सकते हो। कंट्रोल अल्टर टी, मतलब यहाँ से आपका कौन सा सीरीज चल रहा है, लेटेस्ट है या ओल्ड है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। फिर यहाँ पर कंट्रोल अल्टर एफ, कंट्रोल एम, कंट्रोल एम से अपना ये, एंड कंट्रोल एन से आप यहाँ से कैलकुलेटर खोल सकते हो। फिर कंट्रोल एम से आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो इसे, मतलब यहाँ से आप सीधे बाहर आ जाओगे। क्यूट करने के लिए हमें बोल रहा है, हम यहाँ पर नो दे देंगे। तो दोस्तों ये कुछ शॉर्टकट कीज थी जो मैंने आपके सामने यहाँ पर रखी हुई थी, आई होप कि आपको समझ में आई होगी, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।